नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तारक मेहता सीरियल के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट जो शायद ही आपको पता होंगे। तो आइए जानते हैं तारक मेहता सीरियल के वो अनसुने फैक्ट जो आपको नहीं पता। सबसे पहले, तारक मेहता सीरियल का पहला एपिसोड 28 जुलाई 2008 को टेलीविजन पे प्रसारित हुआ था। यह शो असली व्यक्तियों पर आधारित है और गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाले हर एक व्यक्ति की जिंदगी को दिखाता है। और यह शो अपने कॉमेडी और लंबे समय तक चलने के लिए प्रसिद्ध है। और इस शो ने 2024 में अपने 4000 एपिसोड पार कर एक रिकॉर्ड बना दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा भारत का सबसे लंबा चलने वाला कॉमेडी शो है। और ये शो अपने मजेदार कहानियों और सामाजिक संदेश के लिए भी जाना जाता है। और ये शो भारत नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। शो के विभिन्न कलाकारों ने अपनी प्रतिभा के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाई, जैसे कि दिलीप जोशी, जेठालाल, दिशा वकानी, दया बहन, मुनमुन दत्ता, बबीता जी, मंदार चंदवरकर, आत्माराम तुकाराम भिड़े, ऐसे बहुत सारे एक्टर है जो तारक मेहता शो के हिस्सा है। भले ही तारक मेहता सीरियल के अभी के एपिसोड में ज्यादा मजा नहीं आ रहा हो, लेकिन तारक मेहता सीरियल के पुराने एपिसोड में क्या ही मजे आते थे। लेकिन तारक मेहता सीरियल जैसा शो ना कभी आएगा और ना कभी बन पाएगा। वेल दोस्तों, आप सभी को तारक मेहता सीरियल में कौन सा एक्टर पसंद है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं तारक मेहता सीरियल के किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।